Hi guys, it's me Adit Kundra from Adit's Guitar Lessons. आपने वीडियो का टाइटल तो देख ही लिया होगा, so I'll come straight to the point. मैं भी अपना थर्ड कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ जिसका नाम है Learn Guitar in 30 Days Stage 2. So this course takes off जहाँ पे हमारा Stage 1 कोर्स खत्म हुआ था. ठीक है, so I'll just give you a quick snapshot of इस कोर्स में आपको क्या कुछ मिलेगा. So we'll start off with music theory. There's going to be a lot of music theory in this. तुम्हारा Stage 1 से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे प्लस जितने भी आपके दिमाग में क्वेश्चन थे कि ऐसा क्यों होता है, वो सब स्टेज टू में आंसर होंगे. प्लस स्टेज टू के जितने भी टॉपिक्स होंगे उनकी भी हम म्यूजिक थ्योरी करेंगे. देन वी मूव ऑन टू पावर कॉर्ड्स. पावर कॉर्ड्स को किस तरह से प्ले करना है, व्हाट इज द राइट वे टू मूव बिटवीन देम, एंड आई विल गिव यू माय टिप्स एंड ट्रिक्स कि आप पावर कॉर्ड्स को किस तरह से कोई भी जॉनर ऑफ म्यूजिक में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. ठीक है, देन वी लर्न लॉट ऑफ रिदमिक पैटर्न्स अबाउट ऑन पावर कॉर्ड्स, एंड वी डू सम सॉन्ग्स एज वेल, व्हिच इज गोइंग टू बी योर इंट्रोडक्शन टू रॉक म्यूजिक. उसके बाद हम जाएंगे डोमिनेंट 7 कॉर्ड्स में. तो हम डोमिनेंट 7 कॉर्ड्स किस तरह से प्ले करनी है, उनको किस तरह से इनकॉर्पोरेट करना है, वो सब सीखेंगे. देन वील मूव ऑन टू डायटोनिक कॉर्ड्स कि डायटोनिक कॉर्ड्स की थ्योरी क्या होती है, उनको किस तरह से अप्लाई करना होता है अपनी प्लेइंग में. ठीक है, देन उसके बाद हम करेंगे दैट देयर इज गोइंग टू बी एन इंट्रोडक्शन टू ब्लूज म्यूजिक. तो ब्लूज म्यूजिक में आपको मैं बताऊंगा कि क्या होता है, किस तरह से प्ले करना है, व्हाट आर द डिफरेंट वेरिएशंस 12 बार ब्लूज के. तो वी लर्न 4 वेरिएशंस ऑफ दैट. फिर देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ टेक्निक्स एज वेल. तो आप इसमें सीखेंगे अबाउट पाम म्यूटिंग, अबाउट फिंगर पिकिंग. तो फिंगर पिकिंग फिंगर स्टाइल में आपको बताऊंगा कि किस तरह से, व्हाट इज द राइट टेक्निक, एंड 7 फिंगर पिकिंग पैटर्न्स. फिर हम जाएंगे फिंगर स्ट्रमिंग की तरफ, फिंगर स्ट्रमिंग में भी व्हाट इज द राइट टेक्निक एंड 7 फिंगर स्ट्रमिंग पैटर्न्स. फिर उसके बाद हम जाएंगे ऑन सोलोज कि सोलोज आपको किस तरह से प्ले करने हैं, इम्प्रोवाइज वगैरह करना हो तो वी लर्न अबाउट द मेजर पेंटाटोनिक स्केल, द माइनर पेंटाटोनिक स्केल, अगेन किस तरह से इनकॉर्पोरेट करना है. बट मोर इंपॉर्टेंटली आप अपने सोलोज में सोलोज किस तरह से प्ले करने हैं. ठीक है, क्योंकि स्केल्स तो आप ऑनलाइन कहीं भी देख सकते हैं, लेकिन सोलोज को किस तरह से प्ले करना है, आई बी शेयरिंग माई ओन टिप्स एंड ट्रिक्स ऑन दैट. ठीक है, एंड देयर गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फिंगर एक्सरसाइजेस एंड लॉट ऑफ बैकिंग ट्रैक्स एज वेल. बट ये सब चीज़ें तो एक तरफ है. द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कोर्स मेरे हिसाब से इज द फैक्ट कि इस कोर्स में एक 30-day ईयर ट्रेनिंग कोर्स भी है. तो कोर्स के अंदर देयर इज अ कोर्स, तो आपको हर दिन एक 4 to 6 मिनट की एक्सरसाइज होगी जो आपको करनी है. ठीक है, सो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट एक्सरसाइजेस इन दिस एंड 30 days तक चलेंगी वो. तो हर दिन आपको करनी है एक्सरसाइज, एंड ऑफकोर्स द एक्सपेक्टेशन इज बाय द टाइम यू आर डन विद 30 days ऑफ ईयर ट्रेनिंग आपका कान बहुत ही सही हो चुका होगा. ठीक है, तो मेरे हिसाब से दैट इज द स्टार ऑफ दिस कोर्स. सो आई एम वेरी श्योर दैट यू विल एंजॉय इट एज वेल. तो ये जो कोर्स है मेरा, इस कोर्स में मैंने एक सिंपल सा मॉडल फॉलो करा है जो मेरे सारे कॉन्टेंट में होता है कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वेरी सिलेक्टिव, स्ट्रक्चर्ड एंड सिंपल. ठीक है, तो सिलेक्टिव ज़रूरी क्यों है, क्योंकि आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें उनको उनके लिए बिगेस्ट इशू मेरे हिसाब से वो ये है कि देर इज़ टू मच इन्फॉर्मेशन. ठीक है, इट्स नॉट द लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन बट द ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन. तो आप YouTube में जाएं, इतना कुछ मटेरियल अवेलेबल है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि क्या सीखना है क्या नहीं सीखना. तो मेरी हमेशा से ये गारंटी रहती है कि कोई भी मेरा कोर्स अगर आप देखेंगे तो आपको दूसरी कुछ इन्फॉर्मेशन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज आई विल गिव यू द बेस्ट इन्फॉर्मेशन इन द बेस्ट पॉसिबल वे. ठीक है, सो इट्स एक्सट्रीमली सिलेक्टिव दैट वेज. बट एट द सेम टाइम मेरे जो कोर्स है इट्स वेरी स्ट्रक्चर्ड एज वेल. आपने मेरे पुराने कोर्सेज भी अगर देखे हैं, लर्न गिटार इन 30 डेज स्टेज 1 या मेरा जो प्रैक्टिकल म्यूजिक थ्योरी कोर्स भी है, सब कुछ मैं एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करता हूँ विद इंक्रीजिंग लेवल ऑफ डिफिकल्टी. तो इस कोर्स में भी मैंने सेम स्ट्रक्चर फॉलो करा है. तो आप फिंगर एक्सरसाइजेज भी देखेंगे, वो भी सिंपल से मुश्किल की तरफ जाएंगी. कॉर्ड्स भी देखेंगे तो सबसे सिंपल कॉर्ड पहले होगी, उसके बाद सबसे मुश्किल कॉर्ड्स बाद में आएंगी. एयर ट्रेनिंग एक्सरसाइज भी देखेंगे, वो भी हमारी एकदम इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे कि बिल्कुल सिंपल से हम स्टार्ट करेंगे एंड ग्रेजुअली एडवांस चीज़ें करेंगे. ठीक है, सो एवरीथिंग इज़ वेरी स्ट्रक्चर्ड, एंड ऑफ कोर्स सब इन्फॉर्मेशन मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो. ठीक है, बट ऑफ कोर्स आई नो दैट लर्निंग इज़ नॉट अ वन वे स्ट्रीट. तो इसमें आपको आपको कुछ डाउट्स भी होंगे. सो इसके लिए आई हैव क्रिएटेड अ सेपरेट प्राइवेट फेसबुक ग्रुप जिसका नाम है लर्न गिटार इन 30 डेज स्टेज 2. तो वो जितने भी स्टूडेंट्स होंगे इस कोर्स के, everybody also gets access to that Facebook group. So I'm going to be your lifetime mentor. आप कभी भी मेरे साथ connect कर सकते हैं for any questions that you have. ठीक है, so that is why I believe that my courses are very different. क्योंकि जैसा मैंने बताया, everything is selective, structured and very very simple. Now coming to a very important detail, ये course जो है, ये course YouTube में available नहीं होएगा, क्योंकि it's a paid course. ठीक है, and I'm sure कि आपका क्वेश्चन होएगा कि ऐसा पेड कोर्स क्यों मैंने करा. तो आई जस्ट आंसर इट राइट नाउ. देखिए कि जो कोर्सेज होते हैं, कोर्स को बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत दिमाग लगता है, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. तो आपने मेरा स्टेज 1 कोर्स भी देखा था, उसमें भी कुछ 70 वीडियोस थे. इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू एक्चुअली मेक दैट. कुछ 1-2 महीने लगे थे मेरे को, पूरा 2 महीने तो सोचने में लग गए थे, काफ़ी टाइम लगा था मेरे को बनाने में. सो कोर्सेज टेक अ लॉट ऑफ टाइम. एंड मैंने स्टेज 1 कोर्स भी जब लॉन्च किया था, मैंने यूट्यूब में डाल दिया था, लेकिन मैंने हमेशा ये बात लिखी थी कि
इट्स एन ऑनर सिस्टम, आई बी रियली ग्रेटफुल अगर आप डोनेट करें, बट आप भी जानते हैं कि कितने लोगों ने डोनेट किया है. आई मीन आई डोंट वांट टू टॉक नंबर्स, बट आई कैन गारंटी कि महीने में दिन ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ पीपल हु डोनेटेड, विच इज़ फाइन. आई कैन अंडरस्टैंड कि सब लोग नहीं कर सकते, बट आई वॉज होपिंग कि चलो 10 रुपये ही करो, कुछ तो होएगा. बट चलिए उसको छोड़िए. तो फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि मैं पिछले 1.25 साल से आई एम नॉट वर्किंग, ठीक है. तो जब मैं कोर्सेज बनाता हूँ, तो आई एम होपिंग कि पीपल विल एक्चुअली बाय दोज कोर्सेज एज अ वे टू शो सपोर्ट, ठीक है. सो दैट इज़ द रीज़न वाई आई हैव मेड इट अ पेड कोर्स. बट ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब में वीडियोज़ नहीं डालूंगा, वीडियोज़ में डालता रहूँगा. कोर्स रिलेटेड मे बी चीज़ें ना हो, लेकिन ऑन एंड ऑफ मैं वीडियोज़ तो डालता ही रहूँगा, ठीक है. सो डोंट वरी अबाउट दैट. तो ये कोर्स जो है, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होएगा, आप उसमें क्लिक करेंगे तो मेरा जो कोर्स की वेबसाइट है वो खुल जाएगी, ठीक है. तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड या पेपैल है तो आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं. अगर मान लीजिए आपके पास नहीं है एंड आप नेट बैंक मतलब बैंक ट्रांसफ़र या पेटीएम, डेबिट कार्ड, गूगल पे, कुछ भी, आप उन सब से भी पे कर सकते हैं. तो आपको सिर्फ मेरे को एक ईमेल लिखना है. तो मेरा ईमेल एड्रेस है adit.kundra@gmail.com. आप उसमें मेरे को ईमेल लिख दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि आप क्या आपको क्या करना है, एंड देन इमीडिएटली विद इन 5 मिनट्स आपको मैं कोर्स में एनरोल भी कर दूंगा, ठीक है. सो दैट्स ऑल द इन्फॉर्मेशन विच आई वॉन्ट टू गिव यू. अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि जो मेरा कोर्स है वो मेरी वेबसाइट में नहीं है, वो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, उसमें है. सो अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, सो यू डोंट नीड टू वरी, एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी सिक्योर. तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पिछले कोर्स में लोगों को कंसर्न्स थे कि कुछ ऐसा तो नहीं है. इट्स एब्सोल्युटली सिक्योर, ठीक है. सो दैट्स ऑल द इन्फॉर्मेशन विच आई वॉन्ट टू शेयर विद यू. दिस इज़ अ फैंटास्टिक कोर्स. ये कोर्स जो है, इस पर कुछ 101 वीडियोज़ हैं, एग्जैक्टली 101 वीडियोज़. वो प्लान नहीं था 101 करना, बट 101 है, एंड कुछ 11-12 घंटे का टोटल प्ले टाइम है. एंड ऑफकोर्स मैं चीज़ें अपडेट भी करता रहूँगा डिपेंडिंग ऑन फीडबैक. तो इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम. आप मान के चलिए मेरे यूट्यूब में कुछ 380 वीडियोज़ हैं टोटल, जिसमें से 70 तो कोर्स का ही मटीरियल है, स्टेज 1 का. एंड इस कोर्स में देर इज़ 101 वीडियोज़. तो बहुत समय लगा मेरे को बनाने में. सो येस, आई रियली अप्रिशिएट इट इफ़ यू गो फॉर दिस कोर्स, बिकॉज इन अ वे यू आर काइंड ऑफ सपोर्टिंग मी. सो येस, दैट्स प्रीटी मच इट. आई रियली होप कि यू गाइज गो फॉर दिस कोर्स. एंड सी यू लेटर. बाय बाय.